पीता है संकल्प कर दो इस पवित्र ब्रह्मा भोजन को खाने से इनका ये व्यसन छूट जाए। कोई आपसे शत्रुता रखता है संकल्प कर दो ये भोजन खाकर ये मेरा मित्र बन जाए। जो संकल्प आप भोजन में करेंगे वही खाने वाले में होने लगेंगे। एक दिन ने बहुत अच्छा प्रयोग किया, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, भोजन खाते खाते वो इतनी खुश रहने लगी। बताया उसने कि मैं भी हैरान हूं अपनी खुशी से, जब इतना खुश कैसे रहने लगी। पानी को भी दृष्टि देकर ये संकल्प कर दो, मैं बहुत खुश हूं, बहुत भाग्यवान हूं, निरोग हूं, बहुत पवित्र हूं। जो संकल्प करेंगे वही काम करेगा पानी, क्योंकि शरीर में 70% पानी है। कितने परसेंट? पानी घूम रहा है। हम क्रोध में हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, वैर भाव है, चिंताएं हैं, डर हैं, तो ये अंदर का पानी विषैला हो जाता है। ये है बीमारियों का कारण। इस पानी को स्वच्छ करेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वैसे गंदा पानी पीने से स्वच्छ पानी पिया जाता है। इवन जानवर भी, भैंस के आगे भी आप गंदा पानी रख दो नहीं पिए। छोटा सा सच्चा वैज्ञानिकों की रिसर्च सुन ले तो आपको विश्वास हो जाए। यहीं से मैंने शुरू किया था पानी पर प्रयोग। जापान के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, 2 गिलास में पानी लिया, एक पर लिख दिया लव, लव माना प्रेम प्यार, दूसरे पे लिख दिया नफरत। दोनों गिलास ढककर एक कमरे में रख दिए। सवेरे जब दोनों गिलास को चेक किया, उनके पास यंत्र है, तो क्या पाया? जिसपे लव लिखा था उसमें गोल्डन तरंगे आ गई, सुनहरी तरंगे, और जिसपे नफरत लिखा था उसमें काली तरंगे पैदा हो गई। देखो शब्दों का असर देखो। बस मुझे इतना ही देखना था, मैंने कहा बस आगे मुझे नहीं देखना, और मैंने शुरू कराया प्रयोग पानी को चार्ज करके पिलाना। बहुतों की बीमारियां ठीक होती है, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं डॉक्टरों के पास। उसमें से एक है सोरायसिस, स्किन डिजीज, चर्म रोग है, नाम है सोरायसिस। डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, किसी किसी का ठीक होता है। एक डॉक्टर ने विदेश में अमेरिका में साफ बता दिया एक बहन को, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, बहुत तकलीफ थी उसे। उसने पानी चार्ज करके पीना शुरू किया, लगाया पैरों में था उसको, घुटनों से नीचे, 40 दिन में ठीक हो गई, पूरी ठीक हो गई, जरा भी नहीं। समझिए पानी का असर। और आपके यहाँ घड़े में या टंकी में पानी रखा है, घर में लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन भी पानी में समा गए। उसमें टेस्ट भी नहीं लगेगा, पर जो पिएगा उसमें अशांति होगी। इसलिए अगर कभी लड़ाई हो भी जाए उस पानी को फेंक देना, दूसरा भर के दृष्टि देके 7 बार 21 बार ये संकल्प कर देना। एनर्जी देना, आप में से कईयों ने सुना तो है, फिर भी सिखा देता हूं। अनेक बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। घुटने दर्द किन किन को है? हाथ उठाओ घुटने दर्द वाले। अरे कानपुर में इतने भाई कम माताएं ज्यादा, ठीक करना है अपने को। एक तो मन को हल्का कर दो, घुटने हल्के हो जाएंगे। केवल वजन से ही घुटने दर्द नहीं होता, पतलो पतलो को भी होता है, और कई मोटे भी मस्ती से चलते हैं, ये जरूरी वजन बढ़ने से घुटने दर्द होता है, इधर वजन बढ़े, समझ गए ना, तो घुटने दर्द होता है। ये मुझे बहुत एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि आप ये सब कुछ सिखाओ। दिमाग पर दबाव बहुत है, किसी की बातों का, किसी जिम्मेदारी का, किसी काम काज का,
घुटनों पर असर आता है। अभी करो करो सभी, मैं परम, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तीन बार करो। अभी आपके हाथों में एनर्जी आ गई, वाइब्रेशंस आ गई, आपके हाथों से किरणें निकलने लगी है, आप महसूस करो। ऐसे हाथ छोड़कर दोनों हाथों में देखो, आपके झंझनाट आई आ गई। अब ये शक्तियां आपके हाथों से निकल रही हैं, इनको घुटनों पे रख दो, जहां दर्द हो गया है एक मिनट रख देना है। आप कहीं बैठे हैं, लोग हैं, आपको ये करना है, आप घुटनों पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मन में संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूं, हाथों से शक्तियों की किरणें घुटनों में जा रही है, ठीक होगा। फिर दूसरी बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसा कर दें आप 10 मिनट कर दें, 5 मिनट सवेरे शाम कर दें। ठंड है, इससे बचना है सबको। तेल बहुत मिलते हैं आजकल, लगा दें। नी कैप मिलती है पैर घुटने, ये पहनने की मोटी मोटी, वो पहनने, ठंड ना लगे। ठंड से हो जाता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी, तो मैं तुरंत ये कर लेता हूँ तो ठीक हो जाता है। देखो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग हुए दृष्टि देने के, वो एनर्जी देने के। तीन माताएं बुजुर्ग जो बिल्कुल नेत्रहीन हो गई थी, अंधी, उनकी आंखें खुल गई। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हुआ। उसका तरीका है, मैं परम पवित्र आत्मा, आंखों को चाहिए पवित्र वाइब्रेशन, मैं परम पवित्र आत्मा। ऐसे ही पानी को चार्ज करके आंखों पे छिड़क दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पी लो। देखो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान। ब्रेन से नसें आंखों को भी जाती हैं, कानों को भी जाती हैं, मुख को भी आती हैं। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी आंखें कमजोर हो बचपन से, आप उसकी ब्रेन को एनर्जी दे दो। समझ गए ना एनर्जी देना, उसके से प्यार करना। ये नसें स्ट्रांग हो जाएंगे, कमजोर हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं कई लोग, वो नसें ताकतवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे आए, 6 साल का हो गया, न बोल रहा न सुन रहा, उनको हमने एनर्जी दिलवाई, ब्रेन को केवल ध्यान, बोलने लगे। किसी को मानसिक रोग हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो गया हो, मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी देंगे, ब्रेन ठीक हो जाएगा, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है ये, डॉक्टर भी करने लगे हैं कई जगह। मैं डॉक्टरों की सभा में भी ये सिखाता हूँ, कई डॉक्टर इसको बहुत अच्छी तरह ग्रहण करते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची थ्योरी है, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे 2-4 केस आजकल ऐसे हो गए, पहले नहीं होते थे, होने लगे, मेमोरी पूरी चली गई, मेमोरी माना याददाश्त पूरी चली गई, स्मरण शक्ति। हमारे यहाँ के भी एक की चली गई, शांति वन में भाई रहता है, मुझे मिले एक जगह, उसका साथी जो था, मैंने उससे पूछा डॉक्टर क्या कहते हैं, कहा डॉक्टरों ने बताया इसकी ब्रेन की नसें सिकुड़ रही है, तो ब्लड ही नहीं जा रहा, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेंगे, एनर्जी देने से वो खुल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथों में, इन संकल्पों में, इसका आप प्रयोग करेंगे। किसी को रात को नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन हुआ हो, सोने से पहले लिखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं 108 बार। आप लिखा सकते हो किसी से भी, क्योंकि ये रोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसको कोई भी लिखेगा तो उसको अच्छी नींद आने लगेगी 108 बार।
जिसको मन में बहुत व्यर्थ चलता हो, बहुत सोचते हैं, वो सवेरे उठते लिखे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 108 बार, बहुत मदद मिलेगी मुझसे, बहुत लोग तो ठीक ही हो गए, बहुत मन भटकता था लिखना शुरू किया मन एकाग्र हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी सबको बहुत मदद करेंगी। फिर से